हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा आप लोगों को पता है, नेक्स्ट मंथ आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर का आपका एग्ज़ाम होता था वो पहले नायब तहसीलदार के साथ होता था, बट उससे कुछ समय पहले या कुछ वर्ष पहले या 3 या 4 साल पहले ये एग्ज़ाम आप लोगों का CDPO के साथ होता था। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2014 का एग्ज़ाम है, जिसे मैंने कहीं से अरेंज किया है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज़ इसमें जो आप लोगों का जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको आ भी सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जितने भी होंगे, सिर्फ इसमें हम करंट अफेयर का जो पार्ट होगा उसको स्किप करेंगे, क्योंकि वो आपको अब नहीं आएगा। जो आप लोगों को आने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की पहली क्लास। मतलब क्लास में हमारा जो पहला है, डेली में आप लोगों के साथ एक एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया करूँगा, और 15 तारीख से आप लोगों को मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, बिकॉज मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2014 का एग्ज़ाम है, जो उसके साथ आप लोगों का CDPO भी हुआ था। ठीक है, तो दोनों का कंबाइन एग्ज़ाम होता था, बट अभी तहसील वेलफेयर ऑफिसर ही हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का है, वृहद, शिगाई और रोहतांग पर्वत किस घाटी के प्रमुख आकर्षण हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लाहौल, वृहद, शिगाई और रोहतांग पर्वत आप लोगों के लाहौल के प्रमुख आकर्षण है। कहने की बात है, ये लाहौल घाटी में आप लोगों के पड़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं, धर्मशाला इसका राइट आंसर रहेगा। और थर्ड क्वेश्चन है, जनसंख्या स्वरूप के संदर्भ में जर्मन विद्वान वेनल ने हिमाचल प्रदेश को किस संख्या से अभिहित किया था? तो इन्होंने आदि मानव का निवास स्थल के नाम से इन्होंने पुकारा था इसको। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को आदि मानव का निवास स्थल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो आप लोगों ने याद रखना है, वो थे एक स्कॉलर जिनका नाम था वेलन, जो कि जर्मन से रहने वाले थे। फोर्थ क्वेश्चन है, किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियों हिमाचल प्रदेश के आर्यों से पहले बसी हुई थी? तो आप लोगों ने देखा होगा इसका आंसर आएगा ऋग्वेद, बट कल जो आपका एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर का पेपर हुआ था, तो वहाँ पे आपको इन जाति के बारे में पूछा गया था, तो रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकता है आपको। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, कीर और तुरुष्कों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाएगा आप लोगों के साहिल वर्मन को। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन आप लोगों का है, किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो आप लोग जानते थे, नूरपुर के राजा थे, उन्होंने इसकी मदद की थी। और नूरपुर का पहले क्या नाम हुआ करता था? नूरपुर का पहले नाम आप लोगों का हुआ करता था धमेरी रियासत। सेवन्थ क्वेश्चन, किस दस्तावेज में हिमाचली लोगों के स्वभाव के बारे में निम्नांकित वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र के लोग सरल, परिश्रमी, मितवई और ईमानदार हैं, वे खुले दिल के, स्नेहिल और पूर्णतया विश्वसनीय हैं? तो ये आप लोगों को इसके बारे में जो वर्णन मिलेगा वो आप लोगों को मिलेगा वार्नस रिपोर्ट, जो आपकी 1880 में आई थी इन कांगड़ा गैजेटियर में। तो ये आप लोगों को दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, किस गैजेट में मिलेगा? कांगड़ा गैजेटियर 1904 में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रकाशित किया था एक रिपोर्ट के अनुसार, जो आपकी वार्नस रिपोर्ट थी, जो 1888 में आई थी। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर के राजा ने गुजरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था? तो इन्होंने दिया था कि अपने ससुराल में गुजरों द्वारा पेश किया गया दूध उसे उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट लगा था। ठीक है, तो सिरमौर के राजा थे, वो गए होंगे अपने ससुराल, तो उनको गुजरों के द्वारा भेंट के रूप में इनको दूध पिलाया गया था, तो उनको ये काफ़ी स्वादिष्ट लगा, जिस कारण उन्होंने सिरमौर में गुजरों को अपना राज्य या अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था। तो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, किस राजा के द्वारा गुजर जनजाति को आपके सिरमौर में बसने का न्योता दिया गया था? सिरमौर के राजा हुआ करते थे। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोगों का है, शिला पर उत्कीर्ण एक राजज्ञ से ज्ञात होता है कि त्रिगर्त क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण क्रिशियस द्वारा करवाया गया था। शिला पर उत्कीर्ण वह राजज्ञ पाई गई थी, तो कौन सी थी वो आप लोगों की? ये पाई गई थी आप लोगों की, जो शिला थी वो आप लोगों की खजियार में पाई गई थी। टेंथ क्वेश्चन आप लोगों का है, किस क्षेत्र के निवासी उसी मार्ग से पांडवों का प्रत्यागमन की प्रतीक्षा स्वरूप अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिसका वचन उन्होंने स्वर्ग आरोहण का के समय को दिया है? तो सिरमौर के ये आप लोगों के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए
प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर आधारित अवस्थित है। वे नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो वे आप लोगों की पार्वती और ब्यास नदी है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों ने इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जन विश्वास के अनुसार शतुद्रु नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बाणासुर को श्रेय इसका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी समुदाय के लोग ग्रीवा और कटी से प्रीतः नरवार क्यों लपेटते हैं? क्यों लपेटते हैं? क्योंकि केईलांग, जो केलांग है आप लोगों का, उनके प्रति अपनी आस्था के संकेत के रूप में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के में मिंगल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक ही बैल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोगों की पांगी घाटी है, जहाँ पे एक ही बैल का प्रयोग किया जाता है खेत में हल जोतने के लिए। 15 क्वेश्चन है, लाहौल और किन्नौर में घेपने और लंगूरा देवता की नियमित रूप से पूजा क्यों होती है? ताकि अनिष्ट के निवारण के लिए, ठीक है। अनिष्ट है वहाँ पे कुछ, उसके निवारण के लिए आप लोगों के जो लाहौल और किन्नौर में है वहाँ पे घेपन और लंगूरा देवता की पूजा की जाती है। 16 क्वेश्चन हमारा है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में लोग ग्रहण पर गोलियाँ चलाते हैं और पत्थर फेंकते हैं? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये लाहौल स्पीति की बात की जा रही है यहाँ पे। 17 क्वेश्चन है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये अवस्थित है आपका मनाली में। स्पीति में सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ? तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है, तिब्बती लोगों ने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया था। इस अभियान में कुल्लू के राजा ने सहायता उनकी की थी। तो याद रखना, स्पीति में सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ था? क्योंकि जो तिब्बती लोग थे उन्होंने लाहौल स्पीति के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस अभियान में आप लोगों के कुल्लू के राजा थे, उन्होंने इनकी सहायता की, जिस कारण ये आए थे। 19 क्वेश्चन आप लोगों का है, रमणीय गांव मलाणा का सर्वमान्य शासक कौन है? तो आप जानते हैं, जामलू देवता। अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में किस हिमाचली लेखक की रचनाएं हैं आप लोगों की? तो किसकी रचनाएं हैं? निर्मल वर्मा की। अंतिम अरण्य और शताब्दी के ढलते वर्षों में। 21 क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश की सरकार ने घर परिवार में आयोजित होने वाले कॉफी पान के उत्सव को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जीवनचर्या के उन्नय हेतु प्रयुक्त करने की कार्य योजना अपनाई है? तो राइट आंसर आप लोगों का इथोपिया, ठीक है। तो ये आप लोगों के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, हम इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे करंट अफेयर आप लोगों का ख़त्म होगा वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों का करंट अफेयर यहाँ पे ख़त्म होता है तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ओके। तो ये भी आपको नहीं वैसे आएगा इस, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे 55 से। 55 क्वेश्चन है, खांसी की औषधि में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि इसमें जो आप लोगों की जो खांसी की बात कही है, इसमें खांसी का निवारण करने का गुण होता है, ठीक है। अल्कोहल में किसी भी तरह का कोई गुण नहीं होता है खांसी के निवारण का। नेक्स्ट है आपका, रेलवे की पटरियों के साथ बिछाई जाने वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये भी याद रखना कि वह पटरियों पर बदलते मौसम के प्रभाव को कम करती हैं, कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का, कश्मीर वादी के धर्म सत्तावादी मुस्लिम याचक वर्ग द्वारा गैर इस्लामी घोषित किया गया प्रागांश क्या है? तो ये आप लोगों का है ऑल गर्ल रॉक बैंड, ठीक है। ये आप लोगों का होगा उनका क्या कहते हैं करंट का क्वेश्चन था। तो यहाँ से हम करंट को थोड़ा फिक्स छोड़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं 1857 रिवोल्ट का आप लोगों का है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मी भाई है, इनका समाधि स्थान कहाँ पे है? तो ये आप लोगों का लक्षर ग्वालियर में जो पड़ता है वहाँ पे है। 62 क्वेश्चन आप लोगों का है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के लिए राज्य सचिव का पद कब शामिल किया गया? तो याद रखना 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के लिए भारतीय समाचार पत्रों ने यह टिप्पणी की थी, जब रोम जल रहा था तो यहाँ पे नीरो बांसी बजा रहा था? तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा ये बात कही गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आप लोग जानते हैं, ये थे आप लोग के ब्योमेश बनर्जी। 65 क्वेश्चन, किस राष्ट्र नायक के लिए रोगों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया है कि वह चिंता से उद्भूत विवेकानंद की वाणी थे? तो ये श्री अरविंद जी ने ये बात कही थी। राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की बात भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आते हैं क्वेश्चन ऐसे, देशवासियों में
राष्ट्रभक्ति का संचार करने के लिए शिवाजी उत्सव मनाने की पहल किसने की थी? तो ये आपके गोपाल गणेश अगंकर थे, इनके द्वारा किया गया था। 68 क्वेश्चन आप लोगों का है, स्वामी विवेकानंद की रचनाएं पढ़ने के बाद महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? इन्हें पढ़कर भारत के प्रति मेरी भक्ति में वृद्धि हुई है, ये आपके गांधी जी ने कहा था। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पहला तो क्योट आप लोगों को लिखा जाएगा कि इन्हें पढ़कर भारत के प्रति मेरी भक्ति में वृद्धि हुई है, ये किसको पढ़ा था इन्होंने? तो स्वामी विवेकानंद की रचनाओं को। 69 क्वेश्चन है, किस घटना ने महात्मा गांधी को वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब देने का हेतु प्रेरित किया था? तो आप जानते हैं वारदोली किसान ग्रह जो आप लोगों का हुआ था, आंदोलन हुआ था। 70 क्वेश्चन आप लोगों का है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा को उपहार स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था हंसा मेहता के द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी आपको इसकी करंट के इसको छोड़ दीजिए। 72 क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगों का त्यौहार होली ये सांग के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना आप लोगों ने मणिपुर में। IAS IPS अधिकारियों की महत्ता को संविधान सभा में सरदार पटेल ने उन्हें किस संज्ञा से अभिहित करके उजागर किया था? तो इन्होंने इनको कहा था संघ के अभिकर्ता। 74 दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम देविका रानी को सम्मानित किया गया, तो सबसे ताजा तरीन सम्मानित होने वाले कौन थे? तो ये आप लोगों ने याद नहीं रखना है, ये आपका उसमें आएगा करंट में। नेक्स्ट आप लोगों का, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए टॉल्स्टॉय द्वारा शांतिपूर्ण उपाय अपनाए जाने की हिम्मत किए जाने का यंग इंडिया द रिप्लाई टू काउंट टॉल्स्टॉय शीर्षक से लिखे गए लेख द्वारा ओजस्वी प्रत्युत्तर किसने दिया था? तो ये दिया था आपके तारकनाथ दास जी के द्वारा। 76 क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यर्मन युद्धपोत द्वारा एकमात्र किस भारतीय शहर पर बम बरसाए गए थे? तो आप लोग जानते हैं सिर्फ मद्रास के ऊपर ही बरसाए गए थे। 77 क्वेश्चन है आप लोगों का, कथिकाई दीपक दीपम और वाही फोटा क्रमण आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किस त्यौहार के रूप में रूप भेद है उसका किस रूप में होता है? तो यह रक्षाबंधन के रूप में आपका रहता है। 78 क्वेश्चन है, किस वर्ष में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया? 1998 में किया गया था। 79 क्वेश्चन है, सन 1963 में भारतीय भू गर्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक मोटी संधि रेखा विद्यमान होने की खोज की गई थी? तो ये आप लोगों का मध्य प्रदेश था। 80 क्वेश्चन है, देश को हरित करने का प्रतिवर्ष स्मरण दिलाने हेतु वन महोत्सव का सूत्रपात किसने किया था? तो ये KM मुंशी के द्वारा किया गया था। 81 क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सह्याद्री दिवस का महत्व क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन आप लोगों का होता है। चैसियल चित्रकला किस राज्य की समृद्ध विरासत है? तो ये आंध्र प्रदेश की विरासत है। 83 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन के बाद उन्हें राजनीति में सक्रिय होने से पहले एक वर्ष तक प्रेक्षक के रूप में रहने का मशवरा किसने दिया था? तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 84 क्वेश्चन, भारत में 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया था। 85 क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय महिला का 1952 में उन पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी करने के रूप में उनको सम्मानित किया गया था? तो जानते हैं आप मीरा भाई। 86 क्वेश्चन, भारत के औद्योगिकरण एवं भावी राजनीतिक व्यवस्था के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में बंबई योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये विज्ञात जो आप लोगों के उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके द्वारा ये किया गया था। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? तो याद रखना आप लोगों ने, सरकारी काम के सुचारू निष्पादन के लिए नियम बनाना, ये आपका 77 में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, किस राजदरबार में ठुमरी गायन का जन्म हुआ था? तो ये भी ध्यान रखना, अवध। 89 क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान जीवन रक्षक औषधियों की कमी के संदर्भ में लोकसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव निम्नांकित रूप से किया गया था? इन्होंने कहा था कि हमने माना कि तफागुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। तो ये मोहसिना किदवई के द्वारा कहा गया था। 90 क्वेश्चन आप लोगों का है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने
की अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की सूची विशिष्ट विविधता शब्द किसके सुझाव पर जोड़ा गया था? तो ये थे आप लोगों के हरि विष्णु कामंत, इनके द्वारा इसको सुजेस्ट किया गया था। 91 क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश दंड नायक के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में उस समय भी एक व्यवस्थित शासन तंत्र विद्यमान था जब महान रोमन साम्राज्य की शैशव व्यवस्था में था? ठीक है, तो याद रखना, तो ये आप लोगों का एक कांगड़ा रहेगा, आपका इसलिए कांगड़ा आपका काफ़ी फेमस है। 92 क्वेश्चन है, किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जामलू से शाही मशहूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश किया था? तो ये आप लोगों के आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना, ठीक है। 93 है, कांगड़ा जिले का धोरान नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ के लोग जादू से रोग मुक्त होने के लिए एकत्र वहाँ पे होते हैं। 94 आम बातचीत में एक शहर विशेष अपने वास्तविक नाम के बजाय पाप नगरी संघीयता से अभिहित किया जाता है, वह स्थित है आपका धर्मशाला के पड़ोस में स्थित है ये आप लोगों का। 95 है आपका, केंगूर और तेनगूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं? तो ये आप लोगों के लाहौली के हैं। कांगड़ा को गोरखा के चंगुल से मुक्त कराने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी, तो उनकी सहायता प्राप्त हुई थी उनको किससे? तो ये आपके महाराणा रणजीत सिंह थे, उनके द्वारा। 97 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त यहाँ पर वर्षा होती है? तो चंबा और कांगड़ा में। 98 क्वेश्चन आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं? तो आप जानते हैं, तो ये आप लोगों का ब्यास आएगा। चंद्रताल किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में स्थित है। कुंजुम दर्रा कहाँ पे है? तो स्पीति घाटी में है आप लोगों का। चंबा शहर में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस वर्ष से स्थापित हुआ था? 1910 में। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों से। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जानते हैं आप अमर सिंह थापा। 104 84 साधु समूह के नेता के रूप में साहिल वर्मन को 10 पुत्रों का पिता बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो ये चरपटनाथ थे, उनके द्वारा। 105 मंडी जिले के धौलाधार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जानते हैं नागरू। 106 ब्यास सतलुज रावी झेलम में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है? तो झेलम आप लोगों की नहीं होती है, ध्यान रखना। स्पीति के बारे में यह कथन किसका है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है? तो ये कहा गया था रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। 108 एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिमाचल प्रदेश का दर्जा कब समाप्त हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। 109 जहां दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहां पे हिमाचल प्रदेश में यह क्या है? तो कावेरी आपकी झील है। शिमला में कौन सा मौसम दिग्ध राका मौसम कहलाता है? तो शरद मौसम आपका। ग्यास पर्वत शिखर किस जगह पर स्थित है? तो ये आप लोगों का पांगी घाटी में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है वारालाचा, जानते हैं आप। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया था? क्योंकि राजा लक्ष्मण सेन ने भारतीय संघ में विलय पर पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना किए थे। 1857 में शिमला का उपायुक्त बुशहर के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था, किंतु मुख्य आयुक्त ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि इस कदम से भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधाएं आ सकती थी। स्थलकृति के संदर्भ में यह अभिगत किसका है कि हिमाचल प्रदेश का भविष्य बागवानी पर निर्भर करता है? तो यह आपके YS परमार जी के द्वारा कहा गया था। चीफ कमिश्नर प्रांत के स्वरूप में 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था? 27,108। हिमाचल प्रदेश के निर्माण में मंडी शांगरी और बघाट के शासकों की क्या भूमिका थी? तो याद रखना आप लोगों ने कि वे सत्ता त्यागने को तैयार थे, परंतु अपने राज्यों के परिग्रहण के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। मंडी जिला कैसे अस्तित्व में आया? तो याद रखना आप लोगों ने कि मंडी व सुकेत रियासतों के एकीकरण से। चंबा कुल्लू कांगड़ा व ऊना में कौन सा जिला प्राचीन समय में त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था? तो कुल्लू हिस्सा नहीं था आप लोगों का। कुफरी का नारकंडा प्रसिद्ध है, तो शीतकालीन खेलों के लिए आप लोगों का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं, आई होप आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें हिमाचल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और हिमाचल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप लोग पढ़िए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, थैंक यू सो मच।